हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग। देखिए, गवर्नमेंट क्लियर्स बोनेंजा ऑफ रुपीज़ 15,000 करोड़ फॉर स्टाफ। तो ये 15,000 करोड़ किसको मिल रहा है, तो चलिए देखते हैं। पुटिंग मोर मनी इनटू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैंड एमिड द फेस्टिव सीजन। एमिड मतलब बीच में, फेस्टिव सीजन के बीच में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पैसा मिल रहा है, ये बोला जा रहा है। एंड अहेड ऑफ की असेंबली पोल नेक्स्ट मंथ, द यूनियन कैबिनेट ऑन वेंसडे अप्रूव्ड नियरली 15,000 करोड़ बाउंटी फॉर देम, विच इंक्लूड्स एन एक्स्ट्रा इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस रिस्पेक्ट रिप्रेजेंटिंग 4% हाइक फॉर एम्प्लॉयज एंड पेंशनियर टू कंपनसेट फॉर इन्फ्लेशन। तो आप देखिए, 4% हाइक इन लोगों को मिल रहा है, किस चीज़ में, एम्प्लॉयज़ को भी मिल रहा है, पेंशन वालों को भी मिल रहा है, इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए। द एडिशनल डियरनेस अलाउंस फॉर सर्विंग एम्प्लॉयज़ एंड डियरनेस रिलीफ फॉर पेंशनियर विल बी पेड आउट विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, 2023 एंड टेक द ओवरऑल पे आउट टू 46% ऑफ द बेसिक पे और पेंशन अमाउंट फॉर 11.07 लाख नॉन गेजेटेड रेलवे एम्प्लॉय अ प्रोडक्टिव लिंक्ड बोनस PLB इक्विवेलेंट टू 78 डेज वेज फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 वॉज अनाउंस अमाउंटिंग टू ₹1,968 करोड़। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स पर्सनल आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एम्बिट ऑफ दिस बोनस। द कंबाइंड इम्पैक्ट ऑन द एक्सचेकर ऑन अकाउंट ऑफ बोथ डियरनेस अलाउंस एंड डियरनेस रिलीफ फॉर पेंशनियर वुड बी 12,856 करोड़ पर एनम। दिस विल बेनिफिट अबाउट 46.67 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड 67.95 लाख पेंशनियर्स। पेंशनियर्स जो रिटायर हो चुके हैं उनको पेंशन मिल रहा है, तो ये पेंशनियर इतने रिलीफ उन लोग को मिलेगा और इतने गवर्नमेंट सेड नोटिंग दैट इट विल रिकम्पेंस देम अगेंस्ट प्राइस राइज। मतलब जो इन्फ्लेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट उन लोगों को ये फायदा पहुंचाएगा। ऑन ट्यूजडे द गवर्नमेंट हैड क्लियर्ड एन एडहॉक और नॉन प्रोडक्टिव लिंक्ड बोनस फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इक्विवेलेंट टू 30 डेज ऑफ एम्यूलमेंट्स विथ अ सीलिंग ऑफ ₹7,000 फॉर नॉन गेजेटेड ग्रुप बी एम्प्लॉय एंड ऑल ग्रुप सी एम्प्लॉय हु आर नॉट कवर्ड बाय एनी प्रोडक्टिविटी लिंक इंसेंटिव। तो जिनको कोई इंसेंटिव नहीं मिल रहा है उनको ये मिलेगा। दिस बोनस इज ऑल्सो एडमिसिबल फॉर एलिजिबल एम्प्लॉय ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज एंड सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज। द एग्जैक्ट आउटगो ऑन अकाउंट ऑफ दिस बोनस कुड नॉट एसरटेन। प्ली टू रेलवे बोर्ड। अब देखिए, रेलवे बोर्ड की यहाँ पे बात है। रिएक्टिंग टू द प्रोडक्टिव लिंक्ड बोनस पेमेंट्स अनाउंस फॉर 11,007,346 रेलवे एम्प्लॉयज, शिव गोपाल मिश्रा, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द ऑल इंडियन रेलवे मैन फेडरेशन, रिक्वेस्टेड द रेलवे बोर्ड टू इंश्योर रेलवे मैन रिसीव द बोनस बिफोर दुर्गा पूजा एंड दशहरा। तो साफ, दशहरा और दुर्गा पूजा के पहले इन लोग को बोनस दे दिया जाए। द कैबिनेट नोटेड द रेलवे परफॉर्मेंस वॉज वेरी गुड इन 2022-23 एज इट कैरीड अ रिकॉर्डेड कार्गो ऑफ 1,509 मिलियन टन्स एंड नियरली 6.5 बिलियन पैसेंजर्स। तो रेलवे के लिए ये बहुत अच्छा अकम्पलिशमेंट है, तो उनको इसका फायदा भी मिलना चाहिए। पेमेंट ऑफ PLB आपका हो गया, ये प्रोडक्टिविटी लिंक बेस्ड, विल एक्ट एज एन इंसेंटिव टू मोटिवेट द रेलवे एम्प्लॉयज टू वर्क टूवर्ड्स फर्दर इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। द गवर्नमेंट सेड इवन एज इट नोटेड दैट मैन्युफैक्चरर वर रिस्पॉन्सिबल फॉर लास्ट ईयर रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर डन टू इन्फ्यूजन ऑफ रिकॉर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर एफिशियंसी इन ऑपरेशन एंड बेटर टेक्नोलॉजी। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो एक चीज़ होती है गेट अ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, तो लोग जो बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब में कुछ नहीं रखा है, प्राइवेट सेक्टर में जाओ, भाई गवर्नमेंट जॉब में जाओ, काम करो, इधर भी आप देखो रिकॉग्निशन मिल रही है, सैलरी हाइक हो रहा है, यहाँ तक कि आपको उसके बाद पेंशन हाइक भी मिल रहा है। तो ठीक है, ये चीज़ तो है, गवर्नमेंट जॉब पकड़ो भाई, मेहनत करो। अब सेम आर्टिकल हम लोग देखते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है, इसमें देखते हैं क्या है। सेम रीज़न है, मतलब आपका सेम ही टॉपिक के ऊपर। द यूनियन कैबिनेट, जस्ट अ सेकेंड,
The Union Cabinet on Wednesday approved a 4% point hike in dearness allowance and dearness relief for central government employee and pensioner to 46% from 42%. Union Minister for Information and Broadcasting Anurag Thakur said, citing season for benefiting a government employee and pensioner amid the festive season, Thakur said the hike will effective from July 1. Outgo for the exchequer. Given the hike in dearness allowance, the total outgo for the next exchequer would be 12,856 crore per year, the minister said after the meeting in the Cabinet Committee on Economic Affairs. This will benefit about 48 lakh central government employee and 67 lakh pensioner. ये हमने देख लिया. Same चीज है. Union Government Chair Prime Minister Narendra Modi has approved to release an additional installment of dearness allowance to central government employee and dearness relief to pensioner. ये आपका रहा है. 42% से लेके 46% हो गया, 4% हाइक हो गया. दिस इंक्रीज इन अकॉर्डेंस विद द एक्सेप्टेड फॉर्मूला विच इज बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेवेंथ सेंट्रल पे कमीशन. द रिलीज ऑफ एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ डियरनेस अलाउंस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय एज वेल एज द डियरनेस रिलीफ टू पेंशनर विल बी इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1, 2023. पे कमीशन फार्मूला क्या है? द हाइक इन लाइन विद द फार्मूला बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सेवेंथ Central Pay Commission, the DNS allowance for employee and pensioners is estimated on the basis of latest Consumer Price Index for Industrial Worker CPI IW, which is released by Labour Bureau every month. तो ये Labour Bureau निकालता है, ये हमारे लिए important हो जाता है. The last month DA was done on March 24, 2023. The effective from January 1, 2023. The center has increased DA by 4% points to 42 points based on the percentage increase in 12 months average All Indian Consumer Price Index for the period ending December 2022. DA is provided to government employee and pensioner, factoring the rising price and मतलब inflation के वजह से ये step government ले रहा है. On Tuesday, the government announced the grant of the non-productivity linked bonus ad hoc to eligible employee for the year. The ad hoc bonus has been approved for Group C and non-gazetted Group B rank official, including paramilitary forces. The calculation ceiling for payment of ad hoc bonus under this order has been kept at ₹7,000. अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर से मैं वही चीज़ बोलूँगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, भैया नौकरी कर लो तो गवर्नमेंट की करो. और गवर्नमेंट में ये नहीं कि करप्शन करने के लिए घुस रहे, भाई देश को कुछ अच्छा करने के लिए घुस रहे. सबसे पहले गेट अ गवर्नमेंट जॉब, सबसे पहले तो आपके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है. और सेकंड यहाँ पे हमने एक चीज़ देखा, देखिए सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, ये कौन निकालता है आपका? लेबर ब्यूरो निकालता है. किधर गया आपका? कब निकालता है? एवरी मंथ निकालता है, ठीक है. डीए इंक्रीज हुआ है 4% किसके लिए? और डीआर हो गया डियरेंस रिलीफ, डियरेंस अलाउंस, ये आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए जो है आपके कितने 42 लाख है. किधर गया आपका ये नंबर? 48 लाख है, 48 लाख है. और ये भी हुआ है इंक्रीज पेंशनियर्स के लिए जो है आपके 67 कुछ लाख. तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. गवर्नमेंट अपने लोगों का ख्याल हो रहा है, रख रहा है, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है हम भी गवर्नमेंट का ख्याल रखें, गवर्नमेंट जॉब में जाए, करप्शन ना करे और देश को आगे बढ़ाए. सो थैंक यू गाइस, प्लीज़ वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स. थैंक यू.